विदिशा जिले के ग्यारसपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर चर्चाओं में है। विगत दिनों इसी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं को फर्श पर लेटाकर नसबंदी का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गलती छुपाने गलत आंकड़े पेश की थी। वहीं ग्यारसपुर स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर अपने करतूतों को लेकर चर्चाओं बना हुआ है। ताजा मामला एक प्रसूति महिला का है, जिसका प्रसव के बाद नर्स द्वारा प्रसव कराने के एवज में 500 रुपये की डिमांड की गई, जो कि कैमरे में कैद हो गई, जिस पर पीड़ित महिला के पति ने जनसुनवाई में अपना आवेदन दिया, लेकिन जब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। शिकायतकर्ता राजकुमार पिता मुन्नालाल ने बताया कि मेरी पत्नी गोमती बाई की डिलीवरी ग्यारसपुर के सरकारी अस्पताल में हुई। उसी समय मौके पर उपस्थित नर्स कंचन दीवान ने गोमती के पति राजकुमार से डिलीवरी का चार्ज मांगा। तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी हो गई है, 500 रुपये दो। शिकायतकर्ता के पास 500 रुपये नहीं थे, केवल 200 रुपये थे, तो कहा कि 200 ही दे दो। अब शिकायतकर्ता ने 200 के बारे में जानना चाहा, जब इस बात के पैसे लगते हैं तो नर्स ने कहा कि डिलीवरी का चार्ज लगता है। जब शिकायतकर्ता ने कहा मुझे लिखित में चाहिए कि डिलीवरी का चार्ज लगता है, तो नर्स ने कहा कि क्या कहीं डिलीवरी के पैसे लिखित में कोई देता है? चल आप जो मुझे पहचान लिया है, दूसरी बार आएगा तो याद रखूंगी, फिर मुझसे लिख कर लेना काहे कि पैसे चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की शैली पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। जी, मेरी पत्नी का नाम है गोमती बाई, गर्भवती थी, डिलीवरी लाने आई थी। हाँ। मतलब रविवार के दिन दो तारीख को 2 बजे डिलीवरी हुई। हाँ। और मैडम ने 500 रुपये मांगी, हमने 200 रुपये दिए, हमारे पास थे नहीं, मतलब 500 रुपये। हाँ। 200 रुपये उनके लाज दे दिए। नर्स का क्या नाम था? कंचन दीवान सिंह। कौन से हॉस्पिटल में? ग्यारसपुर सरकारी। किसी से कोई शिकायत की क्या आपने? जी अभी नहीं। जन सुनवाई ब्लॉक में की। जन सुनवाई ब्लॉक में भी आपने आवेदन दिया है? जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी बोला तो फोन लगाया था, उन्होंने मैडम को फोन लगा नहीं, वो बोल रहे थे हम फोन लगा कर बता देंगे। BMO से। जी। मेरा कहना ये है कि अभी तक मुझे शिकायत से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जी। क्योंकि मैं भोपाल मीटिंग में थी। जी। अब अभी मैं ऑफिस में जाकर बैठी थी। जी। तो अब अभी मैं देख रही हूँ, अगर मुझे इस तरह का कोई प्रतिवेदन या शिकायती पत्र मिलता है तो मैं नियम अनुसार जो कार्यवाही की जाती है वो मैं कार्यवाही करूँ। मैं शिकायती पत्र आपके सामने ये SDM मैडम को दिया जन सुनवाई में। नहीं, हाँ, ये तो मुझे, ये तो आपने दिया है, लेकिन मेरे ऑफिस से अभी मिलेगा तो उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगी। जी, फिर भी नियम के अनुसार क्या कार्रवाई होगी? अब वो तो जो संबंधित है ना। जी। अब उससे मैं चर्चा करूँगी या जो नियम अनुसार कार्रवाई होती है वो देखूंगी। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।